आयुर्वेदों के गुणों से भरा कृपा शक्ति आयुर्वेदा। क्या आप इंसुलिन लेते हैं? क्या आपके शरीर में सूजन रहती है? कंधा कमर हो या घुटने का दर्द, लीवर की दिक्कत हो या फिर किडनी की समस्या, मधुमेह से हमेशा के लिए छुटकारा पाएं, दवा छोड़ें, आयुर्वेदा अपनाएं। कृपा शक्ति आयुर्वेदा 5 से 7 महीने में सफल इलाज, 100% आयुर्वेद। नमस्कार, मैं हूं मधु सानी, स्वागत है आपका हिंद भारत की खास पेशकश में। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रही है। ये वीडियो मध्य प्रदेश के नीमच जिले की है। इस वीडियो में एक रिटायर्ड फौजी जब वापस अपने गांव आए तो उनका स्वागत ग्रामीण ढोल नगाड़े बजाकर कर रहे हैं। इतना प्यार और इतना सम्मान देखकर रिटायर्ड फौजी भावुक हो गए। देखिए इस खास रिपोर्ट। नीमच जिले के जीरन गांव में 60 लोग फौज में नौकरी कर रहे हैं। इन्हीं में से एक फौजी विजय बहादुर सिंह अपनी 17 साल की फौज की नौकरी से रिटायर्ड होकर जब अपने गांव पहुंचे तो गांव के लोगों ने उन्हें जबरदस्त सरप्राइज किया। फौजी विजय बहादुर सबसे पहले शहर से गांव पहुंचे, जहां उन्हें गांव के प्राचीन मंदिर में दर्शन करना था। उनके लिए गांव वालों ने किसी कालीन की जगह अपनी हथेलियों को जमीन पर रख दिया, जिस पर चलकर फौजी गांव के प्राचीन गणेश मंदिर में पहुंचे। गांव वालों ने फौजी का जुलूस निकालकर स्वागत भी किया। नीमच जिले के जीरन गांव के विजय बहादुर सिंह भारतीय सेना में रहते हुए देश के अलग अलग राज्यों में अपनी सेवाएं देकर 17 साल की नौकरी पूरी करके गांव लौटे हैं। अपने गांव वालों का इतना प्रेम देखकर फौजी विजय बहादुर सिंह के पास अपने गांव वालों के लिए शब्द ही कम पड़ गए। रिटायर्ड फौजी विजय बहादुर सिंह ने कहा कि उन्होंने देश के अलग अलग राज्यों में अपनी नौकरी की है और आज जब वे नौकरी से रिटायर होकर अपने गांव पहुंचे तो लोगों ने उन्हें अपनी हथेलियों पर चलाकर जो सम्मान दिया है वह अपने आप में बहुत बड़ा सम्मान है। विजय बहादुर चाहते हैं कि अब रिटायर होने के बाद वे अपने गांव के उन युवाओं को प्रशिक्षण देंगे जो फौज में जाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि इस जज्बे से आने वाले समय में जब उनके गांव के फौजी रिटायर होकर आएंगे तो उनका स्वागत इससे भी भव्य किया जाएगा। फौजी के पिता लाल सिंह ने कहा कि आज जो स्वागत उनके बेटे का हुआ है उसे देखकर उनका सीना चौड़ा हो गया है। जो पहली बार ऐसा स्वागत हुआ जीरन में, इसके लिए मेरा गर्व से सीना बहुत चौड़ा हो गया और मैं भविष्य में भी कामना करता हूँ कि सभी आर्मी में जाए और ऐसा सम्मान पाए जैसे आज मेरे बेटे ने सम्मान पाया है। वे चाहते हैं कि गांव के ज्यादा से ज्यादा युवा फौज में भर्ती हो। गांव वालों ने जो उनके बेटे का स्वागत किया है उनके लिए वो सबको धन्यवाद भी देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंद भारत। इस खास पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हिंद भारत के साथ। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।